हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए करेंगे। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस वो ये है कि आपके पर्सन मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी का असली चेहरा अब आपके पर्सन के सामने आ चुका है। उन्हें ये पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी प्यार की वजह से उनके साथ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्यार का नाटक करती थी। वो अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ थी, ऐसा अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। और जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, ये भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती है आपके पर्सन को और उन्हीं की वजह से आपके पर्सन आपसे अलग हुए थे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है गाइस। आपको पता होगा कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कौन है, तो मेल फीमेल वो कोई भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन उनकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते करते अब थक चुके हैं और वो वहाँ से अब निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। वो परेशान रहना नहीं चाहते, उन्हें हैप्पी लाइफ जीनी है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और इस वक्त आपके पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी मैं यहाँ से निकलूँ इन बंधनों को तोड़कर, लेकिन अभी वो कुछ भी वहाँ पर कर नहीं पा रहे हैं। उनको वहाँ पर रहना मजबूरी है और उन दोनों के बीच बिल्कुल भी प्यार नहीं है गाइस। लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में इसीलिए आई थी गाइस कि उन्हें सबक मिलना था, आपके पर्सन को सबक मिलना था, उन्हें कुछ लेसन सीखने थे, उनका कुछ कर्मा था जो उन्हें क्लियर करना था। और आपके प्यार की कदर उन्हें समझाने के लिए ही ये यूनिवर्स ने प्लान किया था कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आएगी और जब उन्हें दुख मिलेगा तब उन्हें आपके प्यार की कदर समझ में आएगी। और अभी आपके पर्सन के साथ यही हो रहा है गाइस, उन्हें दुख मिल रहा है, इस वजह से आपके प्यार की कदर अब वो समझने लगे हैं। और जिन लोगों के पर्सन के साथ अभी ये सिचुएशन नहीं हुई है, आने वाले कुछ महीनों में उनके साथ भी ये होगा, क्योंकि ये होना ही है। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन को सबक मिलना ही है। तो कुछ के पर्सन के साथ ये जल्दी होगा तो कुछ के पर्सन के साथ ये देर से होगा, लेकिन ये होना ही है। और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से मुझे परेशान दिखाई दे रही है, वो भी आपके पर्सन को छोड़ना चाहती है और वो भी मूव ऑन करना चाहती है उनसे, लेकिन उन दोनों का कर्मा अभी क्लियर हुआ नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में आपके पर्सन वहाँ से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो यही वीडियो है गाइस आज की। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।